ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि आज से स्क्रीनिंग कमेटी बैठनी शुरू हो रही है सही मायने में, तो 2-4 दिन तो लेंगे मेरे ख्याल से वो, तो हो सकता है 1 तारीख के आसपास पहली लिस्ट तो आ ही जाएगी। इंटरव्यू हो लिया सर, आप लोगों को इंटरव्यू लिए बुला लिया? इंटरव्यूज़ तो हो चुके हैं जी, 2556 जो जिन्होंने आवेदन दिया था उनमें सबको अलग अलग समय पर बुलाया गया है, और मेरे ख्याल से अभी भी शायद कुछ चल रहे हैं इंटरव्यूज़। मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि सबका हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनको इंटरव्यू का समय भी दिया गया था, वो गए भी थे, मेरे पास भी मैसेज आया था जी। जब आप भाजपा में सांसद थे उस समय यहाँ से जो लोग कांग्रेस में सक्रिय थे, अब वो लोग भी टिकट के लिए आपको चुनौती दे रहे हैं? नहीं, वो तो चुनौती की कोई बात नहीं है, वो तो अगर कोई भी आदमी महत्वाकांक्षा रखता है और उसे लगता है यदि उसने लोगों के बीच में काम किया है तो बिल्कुल प्रयास करना चाहिए जी। और उन लोगों का कहना है कि जो लोकसभा में टिकट कट सकती है तो विधानसभा में कट सकती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की मनाही थोड़ी है, सबको है। कई ऐसे हैं जो आज तक MLA भी नहीं बने हैं, तो वो मुख्यमंत्री तक के सपने ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, अच्छी बात सोचना चाहिए आदमी। पिछले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला 46,000 से उचाना से जीते जी। और भाजपा के साथ वो गए तो उनकी दुर्गति हुई, उनकी माताजी लोकसभा में मात्र 4-5 हज़ार वोट ही ले पाई। आप भी भाजपा में थे, क्या वो गुस्सा आपको लगता है कि अब आपके खिलाफ भी फूट सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस समय तो हरियाणा में या उचाणा में आप जहाँ की भी बात करें, पूरे जींद जिले की बात करें, कांग्रेस के पक्ष में बहुत एक ज़बरदस्त माहौल है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है हरियाणा में जी। और उचाणा हल्के में चर्चाएं हैं कि मैडम प्रेमिता जब विधायक थी, काफ़ी भी उनके कार्यकाल में काम हुए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने जा रहे हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे तो होते हैं जो 10 साल से प्रदेश में जो जिसका शासन रहा है उनका लोगों में उनके प्रति क्या भाव है, उस चीज़ को उजागर करना। तो उस नाते तो बहुत मुद्दे हैं जो जिस पर सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे वो हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से हो या अन्यथा पिछले 1.5-2 साल से पूरी कवायद चल रही है, लोकसभा में उसका एक छोटा सा नमूना आप देख भी चुके हैं। उसके अलावा जो अन्य मुद्दे होते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो पूरे क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में कह लीजिए बेरोज़गारी का है। जो सरकार की खुद के आंकड़े हैं उसमें बेरोज़गारी दर जो हरियाणा में है वो देश में सबसे ज़्यादा है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से हमारे जवान बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों की तरफ जा रहे हैं, सही तरीके से या गलत तरीके से, तो वो हैं। उसके अलावा पानी के इशू होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हैं, वो सारी चीज़ें तो रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं। आप सांसद रहे उस और आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री भी रहे, उस कार्यकाल की कुछ उपलब्धियाँ उचाणा हल्के के लिए जो हुई हैं? उचाणा में एक बार सड़क पर चले जाओ, आपको सारी उपलब्धियाँ सड़क पर ही नज़र आ जाएंगी। वहाँ पर जिस हाईवे पर जाओगे वो भी उसी समय का है, जो 90 एकड़ में मंडी बनी हुई है वो भी उसी समय का है, उसको थोड़ा आगे जाएंगे तो सिविल हॉस्पिटल दिखेगा वो भी उसी समय का है, उसके आगे जाओगे तो सब डिवीज़न का दफ्तर है वो भी उसी समय का है, अलेवा की साइड चले जाओगे तो जो वहाँ पे कॉलेज बना है वो भी उसी समय का है, वहाँ जो बस अड्डा बना है वो भी उसी समय का है जिसका फीता उप मुख्यमंत्री ने काटा था उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। उसके अलावा रूर्बन मिशन के तहत जो गांव में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 150 करोड़ के आसपास रुपया 5-6 साल के पीरियड में आना था और आ रहा है, वो भी उसी समय की देन है, और अनेकों काम है। उसके अलावा 17-18 गांवों को डायरेक्ट पानी की सुविधा करवाई गई थी, तो काम ही काम है। बुढ़ायण में केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुला है जो जिले में सिर्फ एक होता है, वो भी वहीं खुला हुआ है, तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, आप कहोगे तो पूरी डिटेल दे दूंगा मैं आपको उसकी। आपकी टिकट लगियों से ही कांग्रेस बीजेपी से बीजेपी से और ये सिर्फ उचाणा नहीं है, पूरे हरियाणा की स्थिति है, डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी के साथ है, बाकी तीसरा चौथा कोई पक्ष नहीं है जो मुकाबले में किसी भी जगह पे हो। कांग्रेस के जो लोग अभी टिकट मांग रहे हैं आपके मुकाबले में, यदि वो बागी होते हैं फिर किस तरह मुकाबला मानते हैं? वीरेंद्र खोगड़िया, दिलबाग सिंडीला, वो भी लगातार एक्टिव है। वो मैं इफ़ और बट मैं नहीं जाता, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत बात है, और बात सारी वो होती है कि मुट्ठी जब तक बंद हो तभी तक उसका राज बना रहता है, जब मुट्ठी खुल जाती है तो उसके बाद सब कुछ सामने सामने हो जाता है। सीएम सेनिया जी कल एक बयान दिया था कि भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर हरियाणा में मुद्दे नहीं हैं कांग्रेस पार्टी के पास या विपक्ष के पास,
तो फिर तो मुद्दे क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं। जितने मुद्दे यहाँ हैं और वो सारे देश के जो बड़े मुद्दे बने थे उनका सीधा सीधा संबंध हरियाणा से है, चाहे वो किसान कानूनों से था, चाहे वो अग्निवीर जो हमारे युवाओं को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है उसका था, चाहे हमारे खिलाड़ियों का, लड़कियां जो थी रेसलर्स हमारी उनके मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे ये तो हरियाणा के हैं, ये मुद्दे नहीं हैं तो कौन से हैं। और उसके अलावा जो ज़मीनी स्तर पर जो सरकार की नीतियाँ थी, खास तौर पर परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी जिसको कहते हैं और प्रॉपर्टी आईडी, उसमें जो लोगों का जी का जंजाल बन गया जो वो, तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति इस प्रदेश में, ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पता नहीं सो गया या घर बैठ गया। धड़ल्ले से लूटपाट हुई हैं, धड़ल्ले से आगजनी और मर्डर्स की घटनाएं हुई हैं, तो सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं और फिर भी कबूतर की तरह किसी ने आंख बंद करके कहना हो कि सब कुछ ठीक है तो ठीक है। राज्यसभा सांसद जी किरण चौधरी जी ने कल एक बयान दिया कि कांग्रेस में सिर्फ बाबू बेटे के चलते थी, किसी और के सुना ही नहीं जाता था, इसको लेकर नहीं, मैं उनके बयान पर कुछ नहीं कहता चाहता। उन्होंने अपना एक रास्ता अलग चुन लिया है, वो वहाँ चली गई हैं, राज्यसभा की उनको सीट मिल गई है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ मैं पहले भी कहता था, जब मुझसे पूछा जाता था, आज भी कह रहा हूँ, मैं उनके फैसले से सहमत नहीं हूँ, ना तो उनके फैसले से और ना उसके टाइमिंग से। का क्या मूड लग रहा है अब आपको एक तरफा कांग्रेस के पक्ष जसपा का जी और आजाद समाज पार्टी का लाइन सवाल जी, क्या लगता है कि इससे कुछ समीकरण बदलेंगे या फिर? वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा, किसी पत्रकार ने, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो का खेल है। उस जीरो को आगे जब तक दो तीन नहीं लगेगा तब तक कोई मायने नहीं है उसका। छोड़ो यार उनकी बातों पर टिप्पणी करना, और खासतौर पर वो बीजेपी का जिक्र करें तो बेमानी है। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लें हरियाणा की राजनीति का, बीजेपी का अक्सर उस समय की लोकदल से और आज की जजपा से हमेशा समझौता होता है, चाहे इलेक्शन से पहले हुआ हो या इलेक्शन के बाद हुआ हो। तो ये कहना कि मैं बीजेपी की तरफ देखूंगा नहीं और ये सब बकवास की बात। एक जी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने एक बयान दिया है कि भी जसपा को कांग्रेस से अलग दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इससे लेकर क्या कांग्रेस से अलग दूरी कांग्रेस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनसे गाना है उनके साथ। तो जसपा ने कांग्रेस कब ले रही है या कब उनके साथ उनके करीब आने की कोशिश कर रही है? वो तो आज के वो डेस्परेट हुए हैं क्योंकि 1% से कम वोट आया है लोकसभा में, तो हाथ पांव मार रहे हैं इधर उधर। क्या लगता है उस चढ़ा में जो नैना चौटाला का वोट मिले थे और बहुत बुरा हाल हुआ, लोग विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर देखते हैं? देखो वो सिटिंग MLA ज़रूर हैं लेकिन वो इस समय राजनीतिक गणित का हिस्सा नहीं है। चाहे पुचाणा की बात कर लो, हिसार लोकसभा की बात कर लो या हरियाणा प्रदेश की बात कर लो, तो छोड़ो उनका जिक्र, मुकाबला जहाँ है उसको देखना शुरू करो। ठीक है जी।